दोस्तों, ये एक सेटअप की जगह है जहाँ पे एक ये प्रेशर पंप लगाया जा रहा है, और ये रहे हमारे असलम भाई। ठीक है, तो एक बार कैमरे में जरा हाय बोल देंगे। और यहाँ पर ये सेटअप ये यहाँ पे इंस्टॉल किया जा रहा है। तो ये अभी क्या कर रहे हैं, ये आप बताओगे जरा इसको क्या क्या कर रहे हो अभी? अभी ये भाई ऑटोमेटिक प्रेशर पंप लगाया जा रहा है। और ये जो कुछ इसमें जो पार्ट्स लगने वाले हैं इसके ऊपर अभी ये क्या बोलते हैं इसको हाँ मेल सॉकेट है भाई। ये जो आप लपेट रहे हो इसको टेपलॉन टेप, हाँ इसको टेपलॉन टेप बोलते हैं। इसको अभी ये रेडी कर रहे हैं, एक एक पीस बना के। ठीक है, तो ये अभी इसमें लगनेगा, तो हम अभी दिखा देंगे कि ये किस तरीके से लगेगा। अभी जरा इसको पहले रेडी कर लेते हैं, फिर आपको ये आगे दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हो ये एक ऑटोमेटिक कंट्रोलर है जो प्रेशर को कंट्रोल करता है। जब भी आप नीचे से वाल अगर आप खोलते हो तो ये अपना प्रेशर बना के नीचे पानी नीचे मतलब आउटपुट कर देता है, और जैसे ही आप मतलब वाल बंद कर देते हो तो ये बंद हो जाता है। तो इस तरीके से इस मोटर में लग कर ये काम करता है इसके साथ। तो इसको भी रेडी कर रहे हैं असलम भाई, और फिर इसको रेडी करके आगे भी आपको दिखाते हैं आगे इसमें क्या करने वाले हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से इसको फिट किया जाता है। तो असलम भाई अभी इसमें फिट कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे सॉकेट कसा जा रहा है मोटर के अंदर, जो हमने यहाँ पर अभी रेडी किया था। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, और अभी आप देखते जाइए इसमें क्या क्या लगने वाला है, सब आपको यहाँ पे दिखाएंगे। इसमें ऊपर भी एक लग रहा है, यानी कि नीचे का जो पानी इनपुट है और ऊपर से आउटपुट है। तो यहाँ पे सॉकेट लगाया जाएगा, फिर इसके बाद इसमें सॉल्वेंट से पाइप को इसमें फिटिंग किया जाएगा। दोस्तों अभी यहाँ पे ये देख पा रहे हो कि ये वाल बंद करके इसको पाइप को काटा जा रहा है, और जब ये पाइप वगैरह कट जाएगा तब इसमें पार्ट्स वगैरह लगाए जाएंगे। दोस्तों ये सॉल्वेंट ऐसा चीज़ होता है कि किसी भी प्लास्टिक को ऐसा जोड़ देता है कि वहाँ से छूटने का नाम नहीं लेता, टूट जाएगा मगर छूटेगा नहीं। ये NRV है, नॉन रिटर्न वाल्व। इसका काम ये है, इधर से जब मोटर अपना नहीं चलेगा, बिजली नहीं रहेगी, इधर से पानी जब धक्का देगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ये बाईपास है, इसको चलने लगेगा। और जब मोटर चलने लगेगी और इधर से प्रेशर बन रहा है तो इधर रिटर्न वाल नहीं जाएगा, इसे यहाँ पे मतलब ये रिटर्न पानी नहीं जाएगा बिल्कुल। जहाँ इधर से इसका यही काम है। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे मार्क भी बना हुआ है एयर का। तो इसमें क्या है, वो इसमें उल्टा मतलब पानी नहीं जाता है एक साइड से, इसमें एक कैप लगी हुई है अंदर, तो वो लॉक हो जाती है। दोस्तों इसमें क्या है, फाइनल क्या है कि इसमें मेन काम यही होता है कि यहाँ पे ये फिटिंग सही से करना। अगर ये फिटिंग एक बार सही से हो जाती है फिर तो आपका काम सारा आसान हो जाता है। यहाँ पे 41 mm की पाइप लगी हुई थी जिसकी वजह से सामान वगैरह नहीं मिल रहा था, तो बहुत मुश्किल से इसका जुगाड़ हो पाया है। और अब ये फाइनल यहाँ पे सेट होने जा रहा है, जब ये सेट हो जाएगा उसके बाद आपको दिखाते हैं। इसमें लोगों को लगता है कि इसमें काटना जोड़ना बस इतना ही काम है, बहुत आसान है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें सोचना पड़ता है कि किसके बाद कौन सा पार्ट लगेगा, इतना आसान भी नहीं होता है ये। तो कभी भी खुद से इसको ट्राई करने की कोशिश कभी मत करना, नहीं तो आपका सारा सामान खराब हो जाएगा और पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे। इसका फिटिंग एक बहुत महंगा आ रहा है, इसका फिटिंग भी काफ़ी महंगा होता है। इसका फिटिंग कितने तक में हो जाता है लगभग? खाली सामान इतना सा सामान आया है ना, कितना लग का कितना 4000 का इसमें सामान आ गया, और फिटिंग कितना लग जाएगा? क्या फिटिंग? हाँ फिटिंग पूरा फिटिंग लेके जैसा काम होता है वैसा
वो काम देख के उसके बाद से बताया जाता है। नहीं, लोगों को जानना होता ना कि इसका फिटिंग कितने तक में हो जाता है। नॉर्मली तो 2000-1500 यही होता है। अच्छा, 2000-1500 तक में इसका फिटिंग हो जाता है, बाकी आपका अलग से सामान जो लगता है वो अपने का खर्चा होता है। तो ये फिट हो गया है, अब इसके ऊपर देखते हैं इसके ऊपर क्या लगने वाला है। हाँ, इसको लगाने से पहले आप एक बार इस सब चीज़ एक बार बता दो, कैसे कैसे आपने क्या किया है। 1.25 इंच का है, 1.25 इंच से जोड़ के आगे बढ़ाया पाइप थोड़ा सा, फिर उसके बाद से ये 9 न्यूटन वाल लगाया, फिर उसके बाद से टी लगाया, फिर यहाँ पे 1.5 इंच का जो इनका गया लाइन वहाँ पे वैसा ही जैसा ये लगाया था वैसा ही। बाकी मोटर लगा रहे हैं, मोटर देखो। तो इसमें ऐसा ही है, ये बड़े बड़े पार्ट्स को इसको जॉइंट करने के लिए इसमें ये उससे कुछ कम साइज़ का ये पाइप इसमें यूज़ किया जाता है ताकि आसानी से जॉइंट हो जाते हैं। ये सामान प्रॉपर वगैरह नहीं मिला इस वजह से ये करना पड़ गया, बाकी इसमें इतना सामान नहीं लगता है, थोड़ा मोड़ा सामान इसमें लग के फिट हो जाता है। सामान तो लगेगा भैया, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है इसमें सामान। इसका फिटिंग 1.5 इंच का बहुत ज़्यादा, इसे 1.5 इंच से 3-4 गुना ज़्यादा। ये देखो यहाँ पे ये रिड्यूसर लग चुका है, नीचे वाला जो साइज था वो काफ़ी ज़्यादा था, ये लगा के हमने यहाँ पे इसका साइज कम कर दिया है दोनों तरफ से। मोटर की जो इनपुट पाइप है यहाँ पे लगेगी ना, आउटपुट यहाँ। हाँ, तो यहाँ पे ऐसा ये हो रहा है अब यहाँ पे कनेक्शन कि अगर हम यहाँ पे मोटर रख देते हैं तो यहाँ से वो पानी यहाँ से ले मतलब खींच लेता है, और जब खींच के फिर ये आगे वाले में भेजता है। हाँ। आगे वाले में जब भेजेगा तो ये क्या होगा, यहाँ भी भागेगा और इधर भी भागेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है ये लॉक हो जाता है, तो यहाँ पे पानी आगे यहाँ से नहीं भाग पाएगा और ये सीधा नीचे चला जाएगा पानी यहाँ से, तो इसलिए 9 रिटर्निंग बॉल यहाँ पे लगाया जाता है। अब ये मोटर का जॉइंट बनाया जा रहा है, ये टंकी का जो कनेक्शन था पूरा हो चुका है नीचे ऊपर, ये ऊपर से लेके नीचे तक। अब वहाँ से क्या करेंगे, वहाँ से ये इनपुट का है जहाँ से पानी इनपुट होगा, वहाँ से हम लाएंगे यहाँ तक जहाँ पे ये एल्बो लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे लग गया मोटर। अब यहाँ पे ये इनपुट होगा, यहाँ पे यूनियन लगाया जाएगा इसको। देखो ये यूनियन बोलते हैं इस साइज का, ये चीज़ आपने देखी होगी, ये मोटर को मतलब कभी भी आपको मोटर में कहीं ख़राबी आ गई है उसको हटाना या उसको रिपेयर करवाना, तो ये यूनियन ज़रूर लगाया जाता है। अगर आप इसको नहीं लगवाएंगे तो आपको इन फ्यूचर बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है कि आपकी मोटर आप तुरंत अपने हाथों से इसको खोल के अलग भी कर सकते हो, और किसी रिंच से जैसे इस टाइप के रिंच से आप इसको खोल के अलग भी कर सकते हो और टाइट भी कर सकते हो। तो देखिए इसका ये सॉकेट लगा जा रहा है, ये सॉकेट लग गया इसमें जिस पे हम ये थ्रेड बने रहते हैं इसके ऊपर, तो इसको कस लिया जाएगा। देखो जब भी आप इसको ज्वाइंट करोगे तो इसको हम हमेशा इसको लगा के इसको कस के फिर उसके बाद ही आप इसको ज्वाइंट करना, ठीक है। दोस्तों अब यहाँ पे सॉल्वेंट लगाया जाएगा और इसको इसमें फिट कर देते हैं। ये लग गया सॉल्वेंट,
घुमा। दोस्तों हमारी एक तरफ से मोटर ये जॉइंट हो चुकी है, अब इसकी आउटपुट की जो पाइप है वो यहाँ पे जॉइंट की जाएगी, इस जगह से लेके वहाँ तक ऊपर। तो हमारा ये वाला पाइप काम में आ जाएगा शायद, ये बड़े वाला। दोस्तों मौसम भी इतना अच्छा हो रहा है कि काम करने में भी मज़ा आ रहा है, अगर यहाँ पे धूप होती तो शायद हालत ख़राब हो चुकी होती। तो ये भी एक तरफ से जोड़ दिया गया है, अब यहाँ पे हम लगाएंगे, यहाँ पे एक एल्बो एल टाइप में आता है वो यहाँ पे काट के फिर यहाँ पे लगा के फिर इसको नीचे डाउन करके इसमें जॉइंट कर देंगे। देखो यूनियन आपको कभी भी लगाओगे तो इनपुट और आउटपुट दोनों में आपको लगाना पड़ेगा, नहीं तो आप मोटर को अलग नहीं कर पाओगे। और इसको जो यूनियन आप लगाओगे ये कभी भी आपस में एकदम ऊपर नीचे कभी मत लगाना, इसको आगे पीछे करके इसको लगाना, ताकि इसको आपको मतलब घुमाने में काफ़ी आसानी से ये निकल जाएगा और अलग भी हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ये लग चुका है कंप्लीट यूनियन, और अब ये पाइप आएगी यहाँ पर, बस यहाँ पे ये डाउन करके हमारा यहाँ पे काम कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम मोटर के कनेक्शन की तैयारी करेंगे कि कैसे मोटर को ऑपरेट करना। दोस्तों अब यहाँ पे देख सकते हो ये मोटर प्रॉपर फिटिंग हो चुकी है, इसकी वायरिंग भी हो चुकी है, और अब आप ये सोच रहे हो इसकी वायरिंग कैसी हुई, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो जा रही है पावर की तार है, ठीक है, तो सबसे पहले जहाँ से भी पावर आ रही है इसको इसमें पावर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, मैं आपको एक सेकंड दिखा देता हूँ। देखो ये पावर लिखा हुआ, इसमें पावर की तार जा रही है, ये सीधा पावर में जुड़ी है, ये आप देख सकते हो ग्रीन और ब्लू कलर की ये वायर है, और इसी में आप देखोगे ये जो दूसरी तार है ये जा रही है हमारे सीधा पंप में, ठीक है। पंप से कोई तार नहीं आती, पंप से सिर्फ एक कैपेसिटर जुड़ा रहता है और बस इतना ही रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी ये पंप लिखा होगा, और आपको दिखा दो तो ये देखो यहाँ पर पंप लिखा हुआ है, और यहाँ पर ये रीस्टार्ट का एक बटन होता है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इसको रीस्टार्ट कर दिया जाता है, तो इसमें बस इतना ही है। दोस्तों ये देखो ये मोटर यहाँ पे हमारी चल भी चुकी है, आवाज़ भी कर रही होगी, आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, और ये सारा सब कुछ हो चुका है।
अभी नीचे नल खुली हुई है इसलिए मोटर चल रही है, नल नीचे जाके बंद हो जाएगी तो ये मोटर बंद हो जाएगी ऑटोमेटिक। मतलब कि ये मोटर तभी काम करती है जब नीचे से नल खुलता है। दोस्तों बाकी सब कुछ यहाँ पे सही से हो गया, बाकी जितने भी वो मतलब मोटर जो वहाँ पे हमने सेट किया था प्रेशर पंप के लिए तो बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। और ऐसा ये हुआ कि जैसे ही वो जब वो मोटर चल गई तो उसके पानी के प्रेशर देखने के एक्साइटमेंट में मैं शायद वहाँ पे थोड़ा वीडियो मैं बनाना भूल गया था। असलम भाई भी नीचे चले गए थे प्रेशर वगैरह देखने तो, और मैं भी शायद नहीं बना पाया उसके बाद भी। तो असलम भाई यहीं पे हैं अभी और बता देंगे कस्टमर के बारे में कि कितना खुश है कृष्णा। कस्टमर भाई साहब बहुत खुश है, प्रेशर भी बहुत अच्छा है और तारीफ कर रहा था। हाँ तारीफ भी अच्छी खासी कर रहा था और कह रहा है कि आपका मैंने वीडियो देख के ही मैंने ये पंप लगवाया है। और अगर आपको भी कहीं से भी लगवाना हो तो आप कहीं भी जगह कहीं पे भी हो आप दिल्ली के अंदर, आप यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर दे दिया गया है ऑलरेडी, आप यहाँ पे हमें कॉल कर सकते हैं और हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ये प्रेशर पंप लगवाने के लिए। ठीक है तो तब तक ले जय हिंद वंदे मातरम।